हम जखीरा क्यों करते हैं, माल को क्यों रोक के रखते हैं? क्योंकि हम समझते हैं दुनिया को बका है ना। अल्लज़ी जमअ मालहु अददह, कुरान की इतनी सख्त आयतें हैं, जिसने माल जमा किया फिर और बनाया फिर और बनाया, अल्लाह कहता है ऐसे बंदों को मैं जहन्नुम की ईंधन बना दूं, क्योंकि उसने खिलकत का मकसद ही तबाह बर्बाद कर दिया। मैंने तुझे माल जमा करने के लिए नहीं, माल लो किसके लिए, जिंदगी की आसाइश रहो, लेकिन ये माल जमा करने के लिए नहीं आए। तुम ज़खीरा अंदोज़ी के लिए दुनिया में नहीं आए, मतलब तुम्हारा ये तसव्वुर ही नहीं है आलम बरज़ख का। यहाँ की नेमतों को वहां की नेमतों में बदलो, यहाँ के आज़ाब वहां के आज़ाब के लिए बनाने के लिए आए हैं। कल ये मैं फिर बताऊंगा कि मौला फरमाते आलम बरज़ख में वो कौन से लोग हैं जो दूल्हे लंगड़े पैदा होंगे, अंधे पैदा होंगे, नाकिसुल उज़्ज़ पैदा होंगे, और वो कौन से लोग हैं जो सही सालम पैदा होंगे, जो आलम बरज़ख की नेमतों से इस्तेफादा लेंगे। एक ईरान की सीरीज है, मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं बना नहीं पा रहा। उसमें उन लोगों के वाकयात हैं जो कोमा में गए और जिन्होंने वहाँ की कुछ झलकियाँ देखी आलम बरज़ख। इमाम हुसैन ने शब आशूर जब चिराग बुझाया तो जिसे जाना है चला जाए, जिसको जाना था वो चला गया, कई लोग चले गए, मुखलिसीन बच गए। उस वक्त इमाम हुसैन ने उनको आलम बरज़ख दिखाया दो उंगलियों के दरमियान, क्योंकि जब आप बरज़ख देखते हो या उसका इल्म लेते हो आपके अंदर यकीन पैदा हो जाता है कि कोई आलम है जिसके लिए मैं आया, ये 60 ईयर्स में जो कर रहा हूँ वहाँ पे मैं कायनात बना रहा हूँ, अपना जिस्म बना रहा हूँ, बाकी लज्जतों को क्रिएट कर रहा हूँ, अपनी आँखों को बना रहा हूँ, अपने कानों को बना रहा हूँ। ऐसा ना हो वहाँ पे पैदा हो जाऊँ, आँखें ना हो तो अली की ज़ियारत कैसी होगी, कान ना हो तो अल्लाह की आवाज़ कैसे सुनूंगा, अगर माजूर पैदा होगा तो आलम बरज़ख की लज्जतों से इस्तेफादा कैसे करूँगा। तो अक्सर लोग, कुछ लोग जिनकी अरवाह निकली, सब ये कहते हैं कि हमने ब्लैक होल देखा, टनल देखा। ये अंग्रेज़ों के भी आप किससे सुनेंगे वो भी यही कहते हैं कि हर मरने वाले की कैफियत सेम होती है। एक मोमिन ने कहा कि मौलाना क्या होता कि अल्लाह हमें मारता ना, ऐसे ही हमें ऊपर ले जाता। तो मैंने कहा नहीं, रूह का बदन से निकलना ज़रूरी है, क्योंकि बदन मुतनासिब है दुनिया के लिए, बना ही दुनिया के लिए। मिसाल के तौर पर आप एक कमीज़ बनाते हो पाकिस्तान की गर्मी और सर्दी के हिसाब से, अब वही कमीज़ लेकर कैनेडा चले जाओ मर जाओगे सर्दी से, और कैनेडा के कपड़े लेकर आप सिब्बी चले जाओ तो गर्मी से मर जाओगे, क्योंकि मुतनासिब नहीं है। वहाँ की चीज़ें वहाँ के लिए, यहाँ की चीज़ें यहाँ के लिए। ये जिस्म बना दुनिया के लिए, यहाँ की लज्जतें ले, औलाद पैदा करे, खाना खाए, मेहनत करे, कमाए, लेकिन जो आलम बरज़ख का जिस्म है वो एक और जिस्म। दूसरा, मिलियंस ऑफ ईयर बरज़ख यहाँ से दूर है, एक अलग ही जगह है, और वहाँ जाने के लिए, अब यहाँ से साइंसदान कहते हैं अगर हम यहाँ से सूरज पे जाना चाहें तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे सूरज तक पहुँचने में, तेज से तेज सफीना भी बनाया जाए मिलियंस लगेंगे, और उतनी स्पीड अगर उस जहाज और सफीने को दी जाए तो इंसान का जिस्म उस स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते अगर इतनी शिद्दत से, इतनी बड़ी स्पीड से, जो हम लाइट की स्पीड कहते हैं, अगर उस स्पीड में इंसान को जहाज में बिठाया जाए और इंसान आगे चला जाए, इसका जिस्म जर्रा जर्रा हो जाएगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है। तो वो आलम जो मिलियंस ऑफ ईयर तुमसे दूर है, तभी हर मरने वाला यही कहता है कि मुझे कोई टनल नजर आता है। किसी को वो टनल ब्लैक नजर आता है, किसी को वो टनल वाइट नजर आता है। गुनहगारों के लिए वो ब्लैक होता है, जो नेक लोग हैं उनके लिए रोशन होता है, वाइट होता है। लेकिन सब यही कहते हैं कि हमें मसलन किसी को 1 मिनट लगा, किसी को 2 मिनट, किसी को 4 मिनट लगे, लेकिन कहते हैं हम शिद्दत की स्पीड से ऊपर जा रहे थे। वो कौन जा रहा था? वो आपकी रूह जा रही थी। तो दुनिया से आलम बरज़ख में जाने के लिए रूह का बदन से जुदा होना जरूरी है, ताकि आप लाइट की स्पीड से आलम बरज़ख में पहुंच जाओ, और वहां पहुंच कर आले मोहम्मद की ज़ियारत आप सबको क्या हो, नसीब हो। अब वाकया बहुत हैं उन लोगों की जिनको फारसी आती है, यहाँ ट्रांसलेशन करके आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी बने हैं कि सबटाइटल आपकी लैंग्वेज में आ सकता है, आप सुन सकते हैं। ये ज़िंदगी पसंद ज़िंदगी बहुत अच्छा लोगों की उसमें स्टोरीज़ हैं, जिसके सुनने के बाद आपको काफ़ी सारी नॉलेज आ जाएगी, जो मौला अली समझाना चाहते हैं कि ये समझ जाओ तुम कहाँ पर हो और कहाँ जाने वाले हो। जब तक मुझे पता ना हो वहाँ किन असबाब की ज़रूरत है, तब तक वो सामान में तैयार नहीं होगा। यही अल्फाज दुआ अरफा में, यही अल्फाज सीखे से जारियाँ, ऐ खुदा मेरा सामान सफ़र कम है, खाली हाथ अगर जाओगे तो वहाँ फ़कीर होंगे। यहाँ के अमीर ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी अमीर हों, और यहाँ के फ़कीर ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी फ़कीर हों। रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह जहन्नुम में अक्सरियत किन की होगी? तो फरमाया, सियासतदानों की, हुक्मरानों की, अमीरों की, मालदारों की, या अदाकार, या एक्टर, या एक्ट्रेस, यहाँ पे जो नाम पर लोग हैं ना मशहूर। फरमाया कहा कि जन्नत में अक्सरियत किन लोगों की होगी? फरमाया जन्नत में अक्सरियत गरीबों की होगी। मसलन यहाँ गरीब हो वहाँ भी गरीब होगी।
असल सिफतन इंसान सखी होना चाहिए, सिफतन इंसान करीम होना चाहिए। ये रब मुसीबत के लिए जुमला भी है।